छावनी परिषद ने शहर के टाल मोहल्ले में की कार्रवाई। सरकारी जमीन पर वर्षों से कब्जा कर रखा था, जिसे छावनी परिषद ने अतिक्रमण मुक्त करवाया। छावनी परिषद महू में एक बार फिर शहर में बिना अनुमति के धड़ल्ले से बन रहे अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्यवाही शुरू की गई। परिषद को लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी कि अनेक स्थानों पर बड़े बड़े निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। छावनी परिषद के अधिशासी अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र जगताप के मार्गदर्शन में डिप्टी CEO माधवी भार्गव ने कर्मचारियों के साथ मिलकर टाल मोहल्ले में बने बाड़े को तोड़ा। इस दौरान विभाग के इंजीनियर हरिशंकर कोलाय, मनीष अग्रवाल, अनिल भाटी ने यह कार्यवाही की। भार्गव ने कहा कि बिना अनुमति के शहर में जितने भी निर्माण हो रहे हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी तथा शहर के बाजारों में बीच सड़क पर सामान रखने वालों के खिलाफ भी कार्यवाही शुरू कर दी गई है। यह कार्यवाही लगातार जारी रहेगी और नियम का पालन नहीं करने वालों को हर हाल में बख्शा नहीं जाएगा। हमने जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कंटोनमेंट बोर्ड अभी काफी डेवलप होकर बैठे लगे हुए हैं, जैसे कि रोड्स को भी हम ध्यान दे रहे हैं। आपने देखा होगा काफी सभी ड्रेनेज की प्रॉब्लम है, वाटर की प्रॉब्लम है, हर एक 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 हर एक कॉन्सेप्ट पे हम लोग इसमें काम कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि चाहे महू के रोड में बेसिकल प्रॉब्लम पार्किंग की, जो हर आधी रोड तो आपकी पार्किंग से कवर हो जाती है, ये तो उस पर भी आप ये देखिए कि एंक्रोचमेंट भी उसमें होता है तो लोगों को तो और ज़्यादा तकलीफ होती है। ये जो इंक्रोचमेंट बना है, हम लोग कल भी आए थे, हमने उनको टाइम दिया था कि आप बताएगा अपने आप से निकाल लें, 24 घंटे का टाइम दें, क्योंकि यहाँ मैरिज चल रहा था, लोगों को तकलीफ ना हो, क्योंकि मैरिज एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, किसी के भी घर की जो कुछ भी फंक्शन होता है डिस्टर्ब करना हमें अच्छा नहीं लगता। हमने 10 बजे तक टाइम दिया था, नेक्स्ट डे आके हमने फिर पाया तो स्पेशल जो इंक्रोचमेंट है वो ऐसी टीज होता है। यदि हम ऐसे इंक्रोचमेंट को बढ़ावा देते हैं तो लोग ये बढ़ते ही चले जाएंगे और आपके पास महू में कोई भी लैंड नहीं बचेगा, रोड नहीं बचेगा।